वजीर अजलास सप्तैन खान ने रोही से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ सारा खजाना खाली कर गए, अब तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने में मुश्किल का सामना है। मुल्तान सिफारी पार्क पर आइंदा माली साल में काम शुरू किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक भी उनके साथ मौजूद हैं। रजा मलिक बताइएगा, सूबाई वजीर जंगलात मजीद क्या कहते हैं? जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का जो है आगाज कर दिया गया और इसके तहत शजरकारी को सबसे बड़ी तरजीह दी जा रही है और इस वाले से जो बाकायदा मरासला भिजवाया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि हर जिले पर 50,000 दरख्त जो है जिलाई हुकूमत खरीदेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और इस वाले से 8 रुपये फी पौधा जो है उसको अदायगी की जाएगी। हमारे साथ मौजूद खान साहब, सर बताइएगा कि क्या जो मरासला जारी किया गया हुकूमत पंजाब का हर जिले की सतह पर, तो महकमा जंगलात तैयार है, वो पौधे तैयार हैं क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के लिए? इंशाल्लाह हमारे पौधे बिल्कुल तैयार हैं और हम अपनी नर्सरीज में उन पौधों को तैयार कर रहे हैं और अगर अभी गवर्नमेंट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनको अभी चाहिए तो हम अभी भी दे सकते हैं और अगर फरवरी से मॉनसून सीजन में उन्होंने स्टार्ट लेना है तो इंशाल्लाह हम देंगे और हम उनको असिस्ट भी करेंगे, हमारा महकमा उनको सपोर्ट भी करेगा। बट ये हमने जो ओनरशिप का प्रोग्राम बनाया है ना कि ज़िलाई हुकूमतों को ये दिए जाएँ या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, वो इसलिए दिए कि पूरा पाकिस्तान इस मुहिम में शामिल हो। अब ये जो ग्रीन एंड क्लीन पंजाब बनाना है ये हमने सिर्फ महकमा जंगलात की हद तक इसको महदूद नहीं किया बल्कि हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। हर महकमा समझे कि ये हमारा काम है और ये पब्लिक अवेयरनेस और बल्कि आपके चैनल्स के जरिए तो मैंने वहां भी ये बात की है, अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप अपने मुल्क के साथ बेहतरी करें। एक अश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि चोरी नो टॉलरेंस, जीरो लेवल पे ले आएंगे, चोरी नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह कड़ी से कड़ी सजाएं कानून में तब्दीली लाएंगे जिसमें जुर्माने भी बढ़ाएंगे, सजाएं भी बढ़ाएंगे, वो हमारा काम है। लेकिन अगर कोई ये तवक्को करे कि मोहम्मद सिप्तैन खान जो मिनिस्टर फॉरेस्ट हैं वो पूरे पंजाब में जाके और ये अपने हाथ से पौधे लगाएं तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। इसकी आप ओनरशिप लें, आप इसको अपना डिपार्टमेंट समझें। जी बिल्कुल। अच्छा, 2008 में जिलाई हुकूमत ने जगह खरीदी थी पुलबलेल पे, 70 एकड़ जगह है और 2008 से ही वाइल्ड लाइफ पार्क का, सफारी पार्क का जो मंसूबा है वो लटका हुआ है, तो कब तक मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी मिल सकेगी? शहबाज शरीफ साहब खजाने को खाली करके गए, कुछ है ही नहीं हमारे लिए, काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो जो हुजम दिखाते थे एडीपीज का, 600 अरब कर दो, 800 अरब कर दो, 2000 अरब कर दो, उनको ये शौक था सेल्फ प्रोजेक्शन का। हम काम कर रहे हैं रियलिटी पे, थोड़ी सी कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी बट आई अश्योर यू के मुल्तान का जो जू या सफारी पार्क जो है वो अगर इस दफा स्टार्ट ना हो सका तो अगले एडीपी से पहले इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कराएंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से सूबाई वजीर का कहना है कि जो नया सालाना तरक्याती प्रोग्राम होगा उसमें जरूर इस पार्क को शामिल किया जाएगा क्योंकि अभी खजाना खाली है, इसलिए फिल वक्त इस मंसूबे पर इस साल भी काम शुरू नहीं हो सकता।